हेलो एवरीवन, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, जिसमें मैंने कल आपको बेसिकली दो तीन कंसेप्ट समझा दिए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, इन तीनों का मीनिंग मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो ओयो कंपनी है, जो ओयो रूम्स हैं, जो उसके ओनर हैं, जो उसके को फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने, उनका क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और इवन इंडिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत क्यों है, इंडिया में नई इंटरप्राइज की क्या ज़रूरत है, मैंने कल आपको बता दिया था। अगर आप सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हो, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, अगर आप दूसरे कंट्री से डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको इंडिया में नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने पड़ेंगे, तभी इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। बेटा आज के दिन भी इंडिया कितने प्रोडक्ट के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, हम कितने कंज्यूमर गुड्स, कितने कैपिटल गुड्स चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, कितने गुड्स यूएस से इम्पोर्ट करते हैं। ये जो हमारा उन पर डिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भर, फिलहाल अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था अच्छे से। मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्यों ज़रूरत है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इवन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस नहीं समझाया था, लेकिन जो कल एग्जाम्पल दिया था उससे ये प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ओयो की कहानी आप पूरी याद रख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस याद रखने के लिए। मैंने क्या बताया था, रितेश अग्रवाल का एक बार आप इंटरव्यू भी सुनना, जो आज के दिन यंगेस्ट बिलियनियर है जिसने ओयो रूम इंट्रोड्यूस करा है, मैंने आपको कल अच्छे से सुना भी दी थी उसकी कहानी। तो उसने इस ओयो रूम को बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करा था, ये वो प्रोसेस है। कल को अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, आप भी चाहते हो कि मैं इंडिया के लिए कुछ यूनिक करूँ, मैं कोई नई प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कोई नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँ, जो प्रॉब्लम अभी तक इंडिया में सोल्व नहीं हुई है, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है, देखो, एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एंड एंटरप्राइज। क्या प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, मैं एक एक लाइन बताऊंगा, फिर मैं आपको लिंक भी कर दूंगा ओयो के रूम्स, जो रितेश अग्रवाल ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। पहले, सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये पता लगाओ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या काम करके इंजॉय करते हो, आपको मज़ा किस काम में आता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रितेश अग्रवाल को घूमने में बहुत मज़ा आता था, वो घूमता बहुत था। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ में इंजॉय करते हो, आप किस काम को करके खुश होंगे, ठीक है। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, अब आप ये देखो, मेन पॉइंट यही है, आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को देखो, देखो सोसाइटी की क्या नीड्स है, सोसाइटी की क्या वांट्स है, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है जो आज तक सेटिस्फाई नहीं हुई। रितेश अग्रवाल ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि यार इंडिया में चीप रेट पे होटल नहीं है, चीप या कह दो या रीजनेबल रेट पे होटल्स नहीं है। तो उसने इसे पहले आइडेंटिफाई करा, देखो, अंडर दिस स्टेप ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड, क्या चाहिए सोसाइटी को, क्या ज़रूरत है, नीड, वॉन्ट एंड प्रॉब्लम, सो दैट ही कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करो और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करो। अभी आपने प्रॉब्लम देख ली, अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया बनाओ, जनरेटिंग एंड इवेल्यूएटिंग आइडिया। उसने कहा ये प्रॉब्लम है कि अभी तक चीप रेट पे होटल नहीं है रीजनेबल रेट पे, तो मुझे किसी भी तरीके से रीजनेबल रेट पे होटल लाने हैं, उसके लिए मैं अगले स्टेप पे प्लान करूँगा। लेकिन आपको आइडिया तो लाना पड़ेगा कि मुझे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन करो लोगों से, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी और अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मेन बात यह है कोशिश करो कि न्यू आइडिया डेवलप करो, जिससे कि आप इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सको और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सको। ये थर्ड पॉइंट है। अब आप उसने सोच तो लिया कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे सही रेट पे होटल लोगों को प्रोवाइड करने, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको देखना पड़ेगा यार मैं चाहता तो हूँ लेकिन ये करूँगा कैसे,
कैसे करूं? तो उसने फिर प्लानिंग करी कि मैं किसी होटल ओनर के पास जाके उससे क्या करता हूँ, टाई अप करता हूँ, उससे कहता हूँ कि मैं उसका होटल मैनेज करूँगा, क्योंकि खुद की जेब में तो इतने पैसा नहीं है कि खुद का होटल खोलूँ। अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च एंड मेक्स बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटेजी। बेटा आप कल को अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आपने प्लानिंग बना लिया, आप पे बहुत अच्छा आइडिया भी है, लेकिन मेन पॉइंट पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी चीज़ तो, सबसे बड़ा मोह माया तो पैसा ही है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि किसी भी तरीके से स्टार्टअप कैपिटल को रेज करो। भैया कहाँ से ले सकते हैं हम पैसा? अभी मेरे आज के डिस्कशन में आगे अच्छे से आएगा कि आप लोन ले सकते हो अलग अलग जगह से, NBFC से लोन ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, या जो दो तीन आपने चीज़ें नहीं सुनी जो मुझे नहीं समझानी है, क्राउड फंडिंग। भैया ये क्या होता है ये तो बताना है मुझे। एंजल इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन उनको आपको अपना आइडिया देना पड़ेगा, उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि हमारे आइडिया में दम है, आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। अगर आपका आइडिया सही में दमदार है तो दुनिया में लोगों के पास बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपका आइडिया ऐसा हो जिससे वो कन्विंस हो जाए। बाय यूजिंग बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर कोशिश करेगा नए नए वेंचर कैपिटलिस्ट और पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने की कि दूसरे लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाए और फिर आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दो। जैसे ओयो ने तो अपना स्टार्टअप कैसे लॉन्च किया था, बस शुरू में एक होटल के साथ टाई अप करके। शुरुआत तो बेटा हमेशा छोटे से ही होती है। आपने गूगल का, अगर जो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उनका आप फर्स्ट हेड ऑफिस देखो ना, तो एक छोटा सा रूम था बस, और वो कहाँ से कहाँ आ गए। स्टार्टअप करो, शुरुआत करो, बेशक कम से स्टार्ट करो। अंडर दिस स्टेप द एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस हिज एंटरप्राइज एंड ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर। आप अपना एंटरप्राइज, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करो। आप अपने आप में चेंजेस लेके आओ जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे आपको पता है एप्पल कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट चेंज करता रहता है, बिल्कुल। फिर होती है आपकी ग्रोथ। एक बार आपका स्टार्टअप हो गया, आपका कस्टमर बेस बन गया, अब हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी सेल हर साल कॉन्टिन्यूसली बढ़े, ये ह्यूमन बिहेवियर है, तभी वो खुश होगा। एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू एक्सपेंड एंड ग्रो द एंटरप्राइज। जैसे मैंने बताया, ओयो वालों ने पहले खाली NCR पे फोकस रखा, फिर पूरे इंडिया में, फिर वो अब चाइना पे फोकस कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट, हार्वेस्ट। ओयो ने तो ऐसा नहीं करा, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको जिन्होंने हार्वेस्टिंग करी। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कह रहा है आपने एक बिजनेस ग्रो कर लिया, अब उसे सेल करके पैसा कमाओ और नए बिजनेस पे लग जाओ। जैसे ये काम कर रहा है व्हाट्सएप ने और इंस्टाग्राम ने। आपको पता है जिन्होंने भी ये डेवलप करा था, उन्होंने ये किसे बेच दिया है? फेसबुक को। उन्होंने इसको बहुत कम पैसों में डेवलप करा, लेकिन बेचा बहुत कॉस्टली है, किसे? फेसबुक को। हार्वेस्टिंग कह रहे जब बिजनेस ग्रो हो गया, बेचो और नए स्टार्टअप पे लग जाओ। ये है एंटरप्रेन्योर की लाइफ। क्या आप बनना चाहते हो या नहीं? मजेदार लग रही है बातें? दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। मैनी एंटरप्रेन्योर्स सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट ए न्यू वेंचर। ये नहीं कि पूरी दुनिया के तरीके से एक ही लाइफ जी रहे हो। सुबह उठो, दिन भर शॉप में जाओ, सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक शॉप में, रात को आओ, खाओ पियो, सो जाओ, पूरी ज़िंदगी ऐसे बिता दो। एक ज़िंदगी तो ये है, एक ज़िंदगी ये है, कुछ यूनिक करो, आउट ऑफ बॉक्स, जिस ऐसा कुछ जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करे। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो अभी तक लोगों की सेटिस्फाई नहीं है, उसका बिजनेस बनाओ, उस बिजनेस को बेच के अच्छा पैसा कमाओ ना। आपको क्या, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इतने कॉस्टली बिके हैं कि बस उनकी तो ज़िंदगी सेट हो गई। बस एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा, बेचा, बस ज़िंदगी सेट है, टेंशन की बात नहीं, ठीक है? तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है? मैं आपको दो तीन और कह रहा हूँ बेटा, अगर आप सही में इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिकली। बेटा मार्क्स लाने के लिए ना पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। आज की ज़रूरत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर जो है ना, वो मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं होने वाला है बच्चों का। फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हो, आप किन किन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे सकते हो।
आपसे मैं कहूँगा दो तीन स्टोरीज आप पढ़ सकते हो पूरी, पेटीएम कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, ओला कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, या एक और एग्जांपल दूँ टेस्ला कंपनी, वो इलेक्ट्रिसिटी कार बनाती है, इलोन मस्क, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि एंटरप्रेन्योर कैसे सोचते हैं और वो कैसे कैसे इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे आते हैं। चलो भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्टअप इंडिया स्कीम। भैया हम तो बन जाए, हम तो करेंगे भैया कुछ यूनिक करेंगे, हम भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करेगी क्या? लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बना दी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि ये जो बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ये तो आप नौकरी वाले बंदे बन रहे हो, आप तो खाली एक सर्वेंट बन रहे हो, कल को किसी कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे, आप तो एम्प्लॉय बनोगे, गवर्नमेंट कह रही है हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो एम्प्लॉयर बने। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप 10 लोगों, 20 लोगों, 50, 100, 1000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। तो गवर्नमेंट भी आपका साथ दे रही है कि अगर इंडिया में कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसमें आपकी मदद करेगी। ये स्कीम गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2015 में लॉन्च करी है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, अगर कुछ भी आप में आउट ऑफ बॉक्स कोई नया आइडिया आ रहा है कि ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ला सकते हैं, तो आप इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कैंपेन किसने अनाउंस करा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब लॉन्च किया? वो सारी चीज़ें अपने स्पीच में करते हैं, 15 अगस्त 2015 को। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्लान है जिसमें हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि हम खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमें नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है पूरी कंट्री में। बेटा आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आप बहुत की लाइफ को अफेक्ट करोगे। गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेरियस बैंक फाइनेंसिंग स्कीम टू प्रमोट स्टार्टअप। गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को इसमें क्या देगी? फाइनेंस, मतलब पैसा देगी। जिन लोगों को दिक्कत है पैसों की लेकिन उनका आइडिया बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमने स्कीम बनाई है, हमारे पे आओ, आप इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करो, हम आपको पैसा देंगे। क्या भैया सही में गवर्नमेंट ऐसा करेगी? यस। लेकिन भैया अब ये तो बता दो, इस स्टार्टअप किसे कह रहे हैं वो? कल को अगर भैया हम करें तो बता तो दो हम इस स्टार्टअप में आएगा या नहीं। बहुत ईजी डेफिनेशन, कह रहे हैं वो एक बिजनेस स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ जाएगा, चाहे आपकी कंपनी है, चाहे आपकी पार्टनरशिप है, चाहे आपकी LLP है, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने चैप्टर 2 में देखा था ना कि अलग अलग फॉर्म से बिजनेस हो सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कोई भी फॉर्म हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो सेल्स है, आपकी जो क्या है सेल, पिछले 5 साल में किसी भी साल 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो। 25 करोड़ से अगर आपकी सेल कम है एक साल की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाओ, आप अपने आप को किस में रजिस्टर करवा सकते हो? स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। और आपको भैया बेनिफिट क्या मिलेंगे? अभी बेनिफिट बताएंगे, पहले ये तो देख लो हम इस स्टार्टअप की डेफिनेशन में कब आएंगे। अगर कोई बंदा नया बिजनेस शुरू कर रहा है और उसके पिछले 5 साल की या जितने भी साल से वो बिजनेस कर रहा है, पिछले 5 साल की जो सेल है वो 25 करोड़ से कम है, सिंपल। इस स्टार्टअप इज द बिजनेस इंटरप्राइज। इस स्टार्टअप कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, सोल प्रोप्राइटर, कुछ भी हो, और आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो रखे हो, और मेन पॉइंट आपको 5 साल से कम हुए हैं अभी रजिस्टर्ड हुए हैं इंडिया में, और आपकी एनुअल टर्नओवर एक साल की सेल किससे कम है? 25 करोड़ से कम, सिंपल। बेटा अभी आपको जन्म हुए हुए आपका 5 साल नहीं हुआ है, और आपके हर साल की सेल अगर 25 करोड़ से कम है, तो आप इंडिया में किसकी डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाओगे? स्टार्टअप की। देखो, टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप इंटरप्राइज, ये मैं बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। कह रहा है अगर आप इस स्टार्टअप की डेफिनेशन में आना चाहते हो तो आपके इंटरप्राइज कैसे ना बनी हो? बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, और मेन पॉइंट आपकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी सेल 100 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन उसने इसका बेनिफिट करने के लिए पता क्या करा? उस एक कंपनी ने अपने 2 पार्ट कर लिए।
एक का नाम तो ए रहने दिया, वो खुद मालिक बन गया, एक उन्होंने बी कंपनी बना दी जिसका ओनर उसने अपने लड़के को बना दिया, बी कंपनी का ओनर अपने लड़के को बना दिया ए वाले ने कि चल भाई तू ये देख लियो, ए कंपनी मैं देख लेता हूँ, इसकी सेल 10 करोड़ से कम है। लोग ऐसा भी कर सकते थे ना स्कीम का बेनिफिट के लिए, तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आपकी कंपनी स्प्लिट अप होके बन रही है, अगर आपकी कंपनी पहले से एग्जिस्टेंस में थी लेकिन आपने स्प्लिट अप करके दो कंपनी बनाई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है भैया, अब मेन पॉइंट भैया हम इस स्टार्टअप में तो आ गए, हमें क्या क्या स्कीम्स मिलेंगी, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आप खुद बताओ, खुद बेटा विजुलाइज भी करो ना। अगर आप इस स्टार्टअप में आते हो, अगर आप कल को एक नया बिजनेस शुरू करते हो, तो आप क्या बेनिफिट्स चाहोगे कि गवर्नमेंट आपको क्या कहाँ कहाँ बेनिफिट दे, गवर्नमेंट वहाँ वहाँ बेनिफिट दे देगी। खुद भी तो सोचो ना, थोड़ा सा तो विजुलाइजेशन करो। कल को मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनो, मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या एडवांटेज लेना चाहते हो, फिर मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट वो एडवांटेज आपको दे रही है या नहीं दे रही। फिर मैं आपको बताऊंगा ना कि गवर्नमेंट बहुत सारे एडवांटेजेस आपको दे रही है इस स्टार्टअप पे। तो ओके बेटा, मैं मान्या कर दूंगा अपलोड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो मैं सारे करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को हमें ये बेनिफिट दे देने चाहिए। तो मेरा मानना है कुछ 2-3 एक्सपेक्टेशंस होंगे आपकी। तो समर्थ ने कहा भैया टैक्स कम लगवा देना, थोड़ा सा भैया हमारे पे गवर्नमेंट रैम खाए कि हमें टैक्स ना देना पड़े। आपकी बात मान ली, गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स में 3 साल के रिलीफ देगी, गवर्नमेंट आप पे कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाएगी। और बताओ जो तुम कहोगे हम वो करवा देंगे। तुम बोलो तो सही भैया ये एडवांटेज चाहिए आपको, वो एडवांटेज। बच्चे ने कहा कि भैया लेस टैक्स होना चाहिए हमारा, तो गवर्नमेंट यही दे रही है इस स्टार्टअप में बेनिफिट, इनकम टैक्स देना ही नहीं आपको 3 साल तक। और बोलो इनकम टैक्स की ड्यूटी नहीं है अगर आप इस स्टार्टअप इंडिया पे आ रहे हो, कमाओ बिजनेस करो, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। भैया कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, मैं छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ कैपिटल गेन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, वो बिल्डिंग आपने खरीदी 50 लाख की और बिल्डिंग को 2 साल बाद आपने 70 लाख का बेच दिया, तो ये 20 लाख का जो बिल्डिंग पे बेनिफिट हुआ इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। गवर्नमेंट कह रही है ये टैक्स भी लगाएंगे। तुम बिजनेस तो करो यार, तुम कुछ इनोवेटिव करो ना, आप पे इनकम टैक्स लगाएंगे ना कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। और क्या चाहिए भैया, थोड़ा सा ना रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाना चाहिए। हमें काफ़ी जगह इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इनकम टैक्स लो वो सॉरी GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेबर लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग एक्ट है। तो उन्होंने कहा टेंशन ना लो, रजिस्ट्रेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा, आपको अलग अलग जगह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह जाना, एक ही जगह रजिस्ट्रेशन दे देंगे। भैया वो इंस्पेक्शन बहुत करते हैं, आपके केस में कोई इंस्पेक्शन भी नहीं करेंगे, बहुत ईजी रजिस्ट्रेशन बहुत ईजिली दे देंगे, ना कोई इंस्पेक्शन होगा, पैसे कोई टैक्स ही नहीं लगाएंगे। भैया किसी तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करा दो, फाइनेंस। तो बेटा उसके लिए तो बहुत बड़ी स्टोरी मुझे बतानी है आपको, फाइनेंस। आपको पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग स्कीम्स बनाएगी आपको पैसे देने के लिए। और क्या चाहिए, बात यह है लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ों के बारे में। अगर बताओ जो बच्चा पढ़ रहा है उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जो अनपढ़ गवार है उन्हें कहाँ से पता होगा कि गवर्नमेंट ये स्कीम्स लाती भी है। देखो मैं पढ़ा दूँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप टू इनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, ये कुछ स्कीम्स या बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफर करती है। देखो आपको कोई इंस्पेक्शन नहीं कराना, आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन है। नो इंस्पेक्शन का मीनिंग, इस स्कीम में आपको कोई भी इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है 3 साल तक, लेबर लॉ में आपके ऊपर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है 2016 में, जिसमें गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना लिया जहां पे अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप सारी डिटेल उस ऐप में डालो, एक सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह से आपको सारी क्लियरेंस सारी अप्रूवल मिल जाएगी। वरना आप देखो GST डिपार्टमेंट अलग जाओ, कंपनी टैक्स के डिपार्टमेंट में, कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वहाँ पे अलग जाओ, लेबर लॉ में अलग जाओ,
कोई धक्के नहीं खाने, स्टार्टअप है, बस एक ही जगह आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक ही जगह से सब क्लियरेंस मिल जाएगी, अदरवाइज बंदा धक्का खाते रहेगा ना अलग अलग जगह। तो ये भी एडवांटेज दिया। इनकम टैक्स नहीं देना 3 साल तक के लिए, और बताओ। कैपिटल गेन टैक्स भी 3 साल के लिए एग्जम्प्ट है, और क्या चाहिए वो बोलो तो सही। और उसके अलावा भी बेनिफिट देखो, फंडिंग स्कीम्स, ये तो आराम से समझाने हैं कि आपको बड़ी ईजिली, आपको गवर्नमेंट ईजिली आपको पैसा मिल सके गवर्नमेंट से, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से फंड बना दिया 10,000 करोड़ का। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड क्रिएट किया है न्यू स्टार्टअप के लिए, और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए भी 500 करोड़ का। एक रह गया बेनिफिट एंड पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भैया ये क्या होता है, यह भी आगे डिस्कस करेंगे, पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में ना, अगर आप आईपी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, अभी आगे बता दूंगा आईपी क्या होता है, तो गवर्नमेंट को बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है, काफ़ी अच्छी फीस लगती है। तो आपको उस फीस में 80% की रिबेट मिल जाएगी। मतलब अगर कोई एक नॉर्मल बंदा अपना आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट का रजिस्ट्रेशन 10,000 में करा रहा है, तो स्टार्टअप वालों को बस 2,000 पे ही देने। और बताओ क्या करे गवर्नमेंट। इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप कैन क्लेम 80% रिबेट। इसका मतलब अगर स्टार्टअप पेटेंट के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करता है तो 80% रिबेट मिल जाएगी। आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी जल्दी मिलेगा। देखो कितना कर रही है गवर्नमेंट। अब मेन रह गया फंडिंग, कि भैया फंडिंग कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट कैसे देगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से भी फंडिंग मिलती है। जापान का एक सॉफ्ट बैंक है जो इंडिया स्टार्टअप में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, $2 बिलियन। बिलियन तो हमें समझ नहीं आता, हम इंडियंस हैं ना, बिलियन का मतलब 100 करोड़, तो $200 करोड़ है। अगर रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी है कहाँ पे, इंडिया में, और बताओ। तो ये कुछ 10 फंडिंग ऑप्शंस है जो गवर्नमेंट दे रही है आपको कैपिटल रेस करने के लिए, कि आप कहाँ से पैसा रेस कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। अगर आप कल को अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आप कैसे कहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हो, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको पैसा अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करोगे एक नए स्टार्टअप के लिए। तो देखो अलग अलग ऑप्शन है। पहला तो है सेल्फ फंडिंग, सिंपल सी तरीका है भाई, खुद की जेब में पैसा तो लगा दो। तो स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन, ऑन द लेटर स्टेज इन्वेस्टर मे गेट अट्रैक्टेड। शुरू में तो खुद का पैसा लगाओ, काम खत्म। जो मेन है, जो आपने शायद नहीं सुना हो कि आप क्या अरेंज कर सकते हो, मैं आराम से समझाऊंगा। क्राउड फंडिंग यूज़ कर सकते हो आप नए बिजनेस में पैसा अरेंज करने के लिए, एंजल इन्वेस्टमेंट यूज़ कर सकते हो, या वेंचर कैपिटल। एक सेकंड के लिए इसे तीन को छोड़ो, बाकी 2-3 समझाते हैं। रेज मनी थ्रू बैंक लोन ईजिली समझ में आता है। जनरली आप बैंक के पास जा सकते हो अगर आपको पैसा चाहिए, बैंक के पास जाओ लोन लेके आ जाओ। जैसे कि इंडिया में बैंक है SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और अलग अलग बैंक हैं जो आपको कलेक्ट्रल फ्री बिजनेस लोन दे देंगे। तो बड़ा इजी है बैंक पे जाना, खुद का पैसा या बैंक पे चले जाओ, ठीक है। बैंक जैसे एक इंस्टीट्यूशन होते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक तो नहीं है लेकिन ये एक ऐसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन दे देते हैं अगर आपको लोन चाहिए। तो ये भी एक तरीके से बैंक की तरह है जहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। देयर इज एन ऑप्शन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आपको सर्विस देगी। NBFC प्रोवाइड सर्विस टू दोज हु कुड नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विस। बैंक से नहीं मिल रहा तो इन NBFC पे चले जाओ, थोड़ा सा लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज हुज रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड। ये किन के लिए पॉपुलर है आज के दिन, जिनको कम पैसा चाहिए और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है बैंक के अकॉर्डिंग। बेटा बैंक किसी को लोन नहीं देता, बैंक ना हर एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक करता है कि अच्छा आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपने अगर पहले कोई लोन दिया है तो उसमें डिफॉल्ट तो नहीं किया, पहले वाले पैसे आपने वापसी दिए,
तो आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक होती है बैंक में अगर लोन लेना है। यहाँ पे अगर क्रेडिट रेटिंग खराब भी हो तब भी आपको लोन मिल जाएगा NBFC से। ठीक है, ओके भैया, तीन बातें समझ में आई। खुद का पैसा लगा देंगे भैया, या बैंक पे चले जाएंगे या NBFC पे चले जाएंगे। ठीक है, एक है गवर्नमेंट के खुद के प्रोग्राम्स जो इस स्टार्टअप के लिए पैसे दे रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा यूनियन बजट है, जो साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाती है एक साल में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ अलग से रखे हुए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाल रखी है, आप इन स्कीम्स के अकॉर्डिंग पैसा लेके आ सकते हो। बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स, ये प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड SIDBI, मतलब ये कुछ स्कीम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट से आप पैसा ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस समय हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन रूल कर रही है? BJP, जो मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर है। और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में 29 स्टेट गवर्नमेंट है, तो हर एक गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती है। अब उत्तर प्रदेश में इस समय कौन है स्टेट गवर्नमेंट में? BJP है। तो उन्होंने यहाँ पे यूपी का नहीं, इन्होंने केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये सारी स्कीम इसलिए बनी हुई है जिससे कि हम स्मॉल बिजनेस को, नए नए स्टार्टअप को बूस्ट अप कर सके। ठीक है, तो दिस आर द 3-4 मेथड्स जिससे आप पैसा अरेंज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। खुद का पैसा, लोन लेना है तो कहाँ से लो? बैंक से या NBFC से या गवर्नमेंट की स्टार्टअप कैपिटल स्कीम से। उसके अलावा बीच में तीन रह गए हैं, जरा वो मैं आपको बता दूं और कौन से तीन तरीके हैं जो मेन है मुझे बताना है। एक तो है क्राउड फंडिंग। ये मतलब क्या है क्राउड फंडिंग? एक नया तरीका है लोन लेने का। मतलब इसमें क्या है बेटा, नाम से क्लियर आ रहा है क्राउड। बेटा आपको पैसा चाहिए ना, तो आप एक अपना एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाओ कि आपका आइडिया क्या है, आप कल को क्या बिजनेस करना चाहते हो। वो आइडिया क्राउड के पास लेके जाओ, पब्लिक के पास लेके जाओ, अपने दोस्तों के पास लेके जाओ। अलग अलग क्राउड प्लेटफॉर्म बन रखे हैं, उन्हें अपना गोल बताओ, अपने ऑब्जेक्टिव बताओ कि हमारा ये बिजनेस है लेकिन मुझे पैसा चाहिए। अगर पब्लिक आपके जो क्राउड फंडिंग में आप जहाँ जा रहे हो पैसा लेना, वो लोग अगर आपके बिजनेस आइडिया से अट्रैक्ट होते हैं तो आपके बिजनेस में पैसा जरूर इन्वेस्ट करेंगे। देखो क्राउड फंडिंग एक नया तरीका है पैसा लेने के लिए किस स्टार्टअप के लिए। ये आज के दिन काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। इसका मतलब है लोन लेना, इट इज़ लाइक टेकिंग ए लोन, प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोर देन 1% एट द सेम टाइम। काफ़ी लोगों से पैसा लगवा लेना। देखो ये काम कैसे करता है। जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसे पैसा चाहिए, वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाएगा अपने बिजनेस का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे। वो अपने बिजनेस के गोल बताएगा कि मेरा गोल क्या है, अपने प्लान्स बताएगा कि हम इस बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाने वाले हैं, हमें कितना पैसा चाहिए, हम उस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे। इन्वेस्टर उसको अच्छे से रीड करेंगे बिजनेस को और फिर पैसा देंगे अगर वो आइडिया को पसंद करते हैं। दोज गिविंग मनी विल मेक ऑनलाइन प्लेजेस विद द प्रोमिस ऑफ प्री बाइंग द प्रोडक्ट और गिविंग ए डोनेशन। मतलब आपको ये सारा काम ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन पैसे देते हुए आपको ऑनलाइन पैसे मिल जाएंगे ये सारा आपका प्रोजेक्ट वो रीड आउट करने के बाद। कोई भी यहाँ पे पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है जिसे अगर लगता है कि ये जो आइडिया है ये फ्यूचर में क्या होने वाला है डेवलप, ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। ठीक है बेटा, ऐसे सारी कंपनी छोटी छोटे से बनती है। सन फार्मा, मैं कल ही पढ़ रहा था, सन फार्मा कंपनी जो बनी थी उसने अपने फादर से 1988 में या 1990 10,000 रुपये मांगे थे कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, और आज के दिन पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की सेल है, 58,000 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है या कितने की। बेटा पैसा तो शुरू में सब पे कम होता है, शुरू में ही तो ये देखना है कि कहाँ पैसा लगाया जाए, शुरू में पैसा कैसे अरेंज किया जाए। नेक्स्ट, गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। ये क्या है एंजल इन्वेस्टर का? मतलब है जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो बहुत ग्रो कर चुके हैं, वो रेडी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आप उन पर आइडिया तो लेके जाओ। जैसे गूगल, नाम सुना है? रतन टाटा जी नाम सुना है? रतन टाटा का याहू नाम सुना है? अलीबाबा, ये चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा इन पे बहुत पैसा है, इन्हें ऐसी कंपनीज चाहिए, इन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके स्टार्टअप में दम हो, इन्हें ऐसे लोग चाहिए जहाँ इन्हें लगता हो कि ये बिजनेस कल को ग्रो करेगा, ये पैसा लगाने के लिए रेडी बैठे हैं। आप ऐसे लोगों पे भी पैसा लेने जा सकते हो। एंजल इन्वेस्टर वो लोग हैं जिन पे सरप्लस कैश है,
इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है हमेशा अपकमिंग स्टार्टअप में। रतन टाटा जी ने लगभग हर एक नए स्टार्टअप में पैसा लगा रखा है इंडिया में, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, सब पे पैसा है उनका, क्योंकि उन्हें पता है ये कल को ग्रो करेंगे। एंजल इन्वेस्टर हेल्प करते हैं स्टार्टअप करने में नई नई कंपनीज को, जैसे कि गूगल, याहू, अलीबाबा। ये एक दूसरा तरीका है आपको पैसा अरेंज करने के लिए अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। तो दिस आर द सिंपल, ये थर्ड पॉइंट हो गया एंजल इन्वेस्टमेंट। और एक रह गया वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल भी अलग अलग क्या बनी हुई है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लोग बने हुए हैं जिनका मेन काम ही क्या है, नए लोगों को पैसा अरेंज करवा के देना। आप इनकी मदद ले सकते हो। वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज फंड जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल दिखता है। ये जनरली उसी, दे यूजली इन्वेस्ट इन बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी से छोड़ो, बस ये प्रोफेशनली लोग मैनेज कर रहे हैं। और ये भी किस में इन्वेस्ट करते हैं, नए नए स्टार्टअप में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको तरीका बता दिया कि स्टार्टअप में आपको कहाँ कहाँ से फंडिंग क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ से आप फंडिंग को अरेंज कर सकते हो, वो मैंने आपसे अच्छा डिस्कशन कर लिया। और गवर्नमेंट ने और क्या एडवांटेज दे रखे हैं स्टार्टअप के लिए, हमने वो भी डिस्कशन कर लिया। अब जो इस चैप्टर में रह गया है, एक तो आईपी का कंसेप्ट रह गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एंटरप्रेन्योरशिप, और एक स्मॉल बिजनेस। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।